हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम आलू कीमा रेसिपी बनाएंगे बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और आसान तरीके से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर को फ्लेम पर रख लिया है और थोड़े से खड़े मसाले इसमें डाल दूंगी। खड़े मसाले थोड़ा सा तड़क चुके हैं, मैं दो अनियन स्लाइस की हुई इसमें डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेना है। अनियन हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, हम उसमें एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है, हम कीमा ऐड कर लेंगे। कीमे को हम अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है। पैन को मैंने अच्छे से भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम उसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। दो मीडियम साइज के टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, वो डाल लूँगी। आधी कटोरी दही डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम उसमें मिर्च डालेंगे, एक बड़ा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे आधा चम्मच जितना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लिड को लगा लेंगे और एक विजिल आने तक गैस को बंद कर लेंगे। एक विजिल हो चुकी है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया था। देखिए हमारा मटन 50% तक अच्छे से गल चुका है, कीमा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। हम साथ में ही आलू डाल देते हो तो वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते, इसीलिए हमें 50% तक कीमे को गला लेना है, फिर आलू ऐड कर लेंगे। हरा धनिया डाल लेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला है, दही और टमाटर का पानी जो था उसी में वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आप चाहे तो इसमें और थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ये रेसिपी खिचड़ी के साथ, पुलाव के साथ बहुत मज़े की लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए और थोड़ा हम मिक्स करेंगे। मैंने आलू को डालकर अच्छे से भून लिया है कीमे को, उसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी क्योंकि हमारे आलू भी सॉफ्ट होना है तो थोड़ा सा पानी लगेगा। मैंने थोड़ा सा एक छोटी कटोरी जितना पानी ऐड किया है। अब मैं इसे एक विजिल लगा लूँगी। हमारी विजिल हो चुकी है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया था। देखिए हम चेक कर लेंगे, अच्छे से हमारे आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, कीमा भी तैयार हो चुका है। चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी आलू कीमा रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने घर के ही इंग्रेडिएंट से बनाया है बहुत इजी और सिंपल मेथड के साथ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।